नमस्ते, मैं दीपाली गोमते सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ अंतर्गत सरहद कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कात्रज इस महाविद्यालय में हिंदी सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने FYBA हिंदी जीवन अर्थात जनरल हिंदी के अनुरूप बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रश्न संच लेकर आई हूँ। इस संच में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डाला हुआ है। 2019 के पाठ्यक्रम के अनुसार ये संच बनाया गया है। इस संच में कुल मिलाकर 15 प्रश्नों पर चर्चा की गई है। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, रोशनी के उस पार कविता के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ओम प्रकाश वाल्मीकि, दूसरा है गुलजार, तीसरा है अज्ञे और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प अर्थात सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपको वहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि पर टिक लगानी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, लेखन कौशल के कितने प्रकार है? इस प्रश्न के लिए भी आपको 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा है विकल्प 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2। तो आप विकल्प पहला जो है वहाँ पर टिक लगाएंगे। उसके बाद तीसरा सवाल है, आदमी को प्यास लगती है कविता किसके जीवन पर आधारित है? और इस प्रश्न के लिए भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सेल्समैन, दूसरा विकल्प है दुकानदार, तीसरा विकल्प है व्यापारी और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सेल्समैन। तो आप सेल्समैन इस विकल्प पर टिक लगाएंगे। उसके पश्चात चौथा सवाल है, सृजनशील व्यक्ति अपने विचारों को - अभिव्यक्त करते हैं? और इस प्रश्न के लिए भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है डर के, दूसरा है खुलकर, तीसरा विकल्प है छुपके, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपको यहाँ पर भी सही विकल्प का चयन करना है। और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है खुलकर। तो आप दूसरे प्रश्न पर टिक लगाएंगे। उसके पश्चात जो पांचवा प्रश्न है वो इस प्रकार है, उतनी दूर मत बिहाना बाबा कविता के रचनाकार अपना पति किस प्रकार का चाहती है? अर्थात जो कवयित्री है वो अपनी पति में कौन से गुण देखना चाहती है, ये नीचे दिए हुए हैं। पहला है शिक्षित, दूसरा है पर्यावरण प्रेमी, तीसरा है फसल लगाने वाला और चौथा है उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अर्थात कवयित्री शिक्षित, पर्यावरण प्रेमी, फसल उगाने वाला, ये तीनों भी गुण अपने पति में चाहती है। छठवा जो प्रश्न है वो है, संवृत्त लेखन अर्थात बायोडाटा लेखन में क्या जरूरी है? पहला है विकल्प नाम और पता, दूसरा विकल्प है शैक्षणिक योग्यता, चौथा प्रश्न विकल्प है पहले काम का अनुभव हो तो जगह और पद का नाम, और पांचवा है उपर्युक्त सभी। तो बायोडाटा लेखन में ये तीनों भी जो ऊपर दिए हुए जो 3 विकल्प है वो तीनों भी ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी।
जो सातवां प्रश्न है वो इस प्रकार है, सृजनशील लेखक के क्षेत्र है, मतलब सृजनशील लेखक कौन कौन से क्षेत्र में लिखता है इसकी जानकारी दी गई है। तो विकल्प देखिए कौन कौन से है यहाँ पर, पहला विकल्प है कहानी, दूसरा विकल्प है उपन्यास, तीसरा विकल्प है बाल साहित्य और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो सृजनशील लेखक के क्षेत्र कौन से है, तो सृजनशील व्यक्ति इन तीनों भी जो दिए गए ऊपर के जो तीन विकल्प है तीनों क्षेत्रों में लिख सकता है। तो सही जवाब इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी, कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य तीनों भी क्षेत्र में सृजनशील व्यक्ति अपना काम कर सकता है। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। तो नेक्स्ट प्रश्न है वो है इस प्रकार, आदमी को प्यास लगती है कविता में सेल्समैन कहाँ पानी पी रहा है। और इस प्रश्न के अनुरूप आपको चार विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प है हैंडपंप पर, दूसरा है होटल पर, तीसरा है दुकान पर और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब है हैंडपंप पर, तो आप हैंडपंप पर टिक लगाएंगे। बाद में नेक्स्ट जो सवाल है वो इस प्रकार है, निबंध लेखन के कितने प्रकार है। तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प चार, दूसरा विकल्प पाँच, तीसरा विकल्प तीन और चौथा विकल्प छः। और इस प्रश्न का सही जवाब है चार, अर्थात पहला विकल्प, निबंध लेखन के चार प्रकार है। बाद में जो अगला सवाल है ये इस प्रकार है, आंखों देखा वर्णन किस निबंध में होता है। और इस प्रश्न के लिए भी आपको चार विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प है वर्णनात्मक, दूसरा है कथात्मक, तीसरा है आलोचनात्मक और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए आंखों देखा वर्णन किस निबंध में होता है, तो इसका सही जवाब है वर्णनात्मक, वर्णनात्मक निबंध में आंखों देखे दृश्य का वर्णन किया जाता है, उस वर्णन को लिखा जाता है, तो इसका सही जवाब है वर्णनात्मक। अगला सवाल है, भय ये कौन सी विधा की रचना है, जो आपके पाठ्यक्रम में भय ये लेसन दिया हुआ है उसकी विधा कौन सी है, किस प्रकार का ये किस प्रकार की ये रचना आपको दी गई है। और उसके लिए भी आपको चार पर्याय दिए हैं, पहला पर्याय है यात्रा वृत्त, दूसरा पर्याय है निबंध, तीसरा पर्याय है रेखाचित्र और चौथा पर्याय है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये जो लेसन आपको दिया है वह निबंध विधा में लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध है, बहुत चर्चित है वो, तो वह निबंध विधा में लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है निबंध, आप जो दूसरा विकल्प आपको दिया है उस पर आप टिक लगाएंगे। अब अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है, निबंध के गुण हैं, और नीचे देखिए पर्याय में आपको निबंध के जो गुण होते हैं वो दिए हुए हैं, आपको सही जो जवाब है वो चुनना है। तो निबंध का जो गुण है उसके लिए उन्होंने पर्याय दिए हुए हैं, पहला है भाषा सरल होनी चाहिए, अर्थात भाषा सरल, दूसरा विकल्प है सुस्पष्ट, तीसरा है सुबोध और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए निबंध के ये तीनों भी गुण होते हैं, भाषा सरल होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, तो उपर्युक्त सभी यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आप विकल्प चार पर टिक लगाएंगे जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, विज्ञापन के प्रकार है, देखिए नीचे
विकल्पों में कुछ नाम दिए हैं, आपको सही विज्ञापन के प्रकारों का या जो विज्ञापन का सही प्रकार है उसको चुनना है, उसका चयन करना है। तो जो पहला विकल्प दिया है वो है स्थानीय, दूसरा है राष्ट्रीय, तीसरा है प्रदर्शन और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो विज्ञापन के ये तीनों भी प्रकार होते हैं, स्थानीय भी होता है, राष्ट्रीय भी होता है और प्रदर्शन भी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी अर्थात विकल्प चार, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, किताबें कहाँ से झांकती है? देखिए ये जो सवाल है गुलजार की कविता से लिया गया है और यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, अलमारी से, दीवार से, दरवाजे से और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प एक अर्थात अलमारी से। तो किताबें कहाँ से झांकती है, उत्तर आएगा अलमारी से। अगला सवाल है, विज्ञापन के सिद्धांत हैं, नीचे कुछ सिद्धांतों के विकल्प दिए गए हैं, आपको विज्ञापन के जो सही सिद्धांत है उसका चयन आपको करना है। तो पहला विकल्प आपको दिया है अनुपात, दूसरा है गति, तीसरा है एकता, चौथा है उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही जवाब है उपर्युक्त सभी अर्थात विज्ञापन के लिए अनुपात, गति, एकता ये सब होना बहुत ज़रूरी है, ये विज्ञापन के सिद्धांत है। तो इस प्रकार से देखिए हमने इस वीडियो में 15 प्रश्नों पर प्रकाश डाला है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपको एक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे और उस विकल्प में से आपको सही जवाब का चयन करना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, धन्यवाद।